किसी समय का जिक्र है कि दिल्ली शहर में शेर ताराचंद रहते थे। उनका व्यापार देश विदेश में चलता था, धन दौलत के भंडार थे, कई समुद्री जहाज भी चलते थे। धर्म पुण्य में खूब पैसा खर्च किया करते थे, अतः शहर में बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। कुएं बनवाना, पाठशाला व धर्मशालाएं खुलवाना, गौशालाएं आदि बनवाने से अब तो उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। इसी शहर में एक अन्य सेठ भी थे जिनका नाम था सेठ हरिराम। धन माया की इनके पास में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च नहीं करता था, अतः हरिराम को कोई भी नहीं जानता था। सेठ हरिराम तो ताराचंद की शोहरत की वजह से उससे बहुत ईर्ष्या किया करता था। एक दिन दुखी होकर सेठ हरिराम अपनी पत्नी से कहता है कि श्रीमती, आज तो मुझे एक राज की बात बता दे कि धन दौलत की तो मेरे पास में भी कोई कमी नहीं है, फिर ऐसी क्या बात है कि बिरादरी में ताराचंद ही छाया हुआ है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो हरिराम की पत्नी कहती है कि हे मेरे पति देव, ताराचंद की तरह से कुछ दान धर्म पुण्य करना सीखिए, तभी तो शोहरत फैल जाएगी। ताराचंद खूब दान करता है, इसलिए उसका इतना नाम है। तो फिर तो हरिराम अपनी पत्नी से कहता है कि यदि दान पुण्य करने से ही ताराचंद का नाम है और मैं उसका यह दान पुण्य छुड़वा दूं तो उसकी पत्नी कहती है कि तो दान पुण्य छोड़कर तो वो भी रोएगा। इस प्रकार से सेठ हरिराम व उसकी पत्नी के बीच में सेठ ताराचंद के विषय में क्या बातें होती हैं, रागिनी में सुनिए। उस ताराचंद की शोहरत मन में मेरे रात दिन खटके, तू भी दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन फटे। ताराचंद की शोहरत मन में मेरे रात दिन खटके, विदान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। धन माया का घटाना पर नहीं जगत में नाम, धर्म करे ते इज्जत बढ़ती यूं कहता जगत तमाम। चिंता खावे चूत जिगर ने चैन नहीं सुबह शाम, इज्जत बंद बनन की खातर करन धर्म के। ताराचंद का नाश करूंगा वो मेरी सामी अटके, झूठ कपड़ छने छोड़ पिया क्यों अधम निचाने लटके। ताराचंद की शोहरत मन में मेरे रात दिन खटके, तू भी दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। सेठ बराबर कहलावे थे वो दिन दिन बढ़ता जावे, उसने दुनिया क्यों बूझे कदे या भी मन में आवे। को ना बूझ बिरादर में या चिंता मन सतावे, तू भक्ति भाव भजन ना करता ना पुण्य में पैसा लावे। जो उसका पुण्य और धर्म छुटा जो तो हो जागा के घटके, पुण्य धर्म में छोड़ के बंदा खड़ा शीश में पटके। ताराचंद की शोहरत मन में रात दिना मेरे खटके, विदान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके।
तुसे दो धिले का कर दूंगा जय मेरी पार बसाई। तू दो भाइया में उठा बैठना सत की करी कमाई, उसकी बिगड़े और मेरी बन जा जब हो मन की चाही। आए गए की सेवा में ना खर्च करी एक पाई, मैं उल्टा पाठ पढ़ा दूंगा जो चले धर्म ते हट के। परले पार उतर जा पिया तू देख धर्म ते डट के। उस तारा चंद की शोहरत मन में रात दिना मेरे खटके। दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। हो के घरा बैठ जा जो चाहूं वाहे करूं मैं। मेरे साजन मान कहे की पाया शीश धरूं मैं, प्यारा बन के दगा करूंगा उस ते नहीं डरूं मैं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई पिया मन में कस भरूं मैं। गाना नहीं बजाना जैसिन अलग बैठ जा छट के। सतपाल कहे पार उतर जा नाम हरि का रट के। तारा चंद की शोहरत मन में मेरे रात दिन खट के। तू दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भट के। अब तो सेठ हरिराम मन में ये पक्की ठान लेता है कि सेठ ताराचंद का यह दान पुण्य करना अवश्य छुड़वाऊंगा और इस प्रकार उसकी बदनामी करवाऊंगा। तो सेठ हरिराम ने अपने जैसे 10-20 कंजूस सेठ इकट्ठे कर लिए। उन सबको ये पढ़ाया कि चलकर ताराचंद सेठ से ये कहना है कि सेठ जी, ये धर्मशालाओं स्कूलों में गौशालाओं में आप जो दान देकर धन लुटा रहे हैं ऐसा करना सेठ बिरादरी की नीति के खिलाफ है। सेठ लोग तो धन के हमेशा से ही मालिक रहे हैं और उनके पास में यह इसलिए होता है कि हमारे पुरखों ने इसे जोड़ जोड़ कर रखा है। यदि वे भी आपकी तरह से लुटाते तो यह धन सेठों के पास न होकर कहीं और ही होता। इस प्रकार का पाठ पढ़ाकर सेठ हरिराम अपनी बिरादरी के सेठों को लेकर ताराचंद के पास में पहुंच गया। ताराचंद ने सभी को आदर से बैठाया और फिर आने का कारण पूछा तो सभी ने अपने अपने तर्क कुतर्क देकर ताराचंद को यह समझाया कि आप ये दान धर्म पुण्य करना छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो धन की बर्बादी है और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सारी बिरादरी आपसे नाराज होकर चली जाएगी। तो प्रेमियों, हरिराम है उसके अन्य साथियों के बहकावे में आकर से ताराचंद ने दान पुण्य करना सब छोड़ दिया। जिन गौशालाओं में लगातार चंदा भिजवाता था अब बंद कर देने से वहां की गौएं भूखी मरने लगी। जो भिखारी आशा करके आते थे वे निराश जाने लगे और बद्दुआएं देने लगे। और फिर कुछ दिन में ही क्या होता है कि ताराचंद के चारों समुद्री जहाज समुद्र में डूब गए। बंबई में कोठियों में आग लग गई, व्यापार ठप हो गया। चारों तरफ से नुकसान की चिट्ठियां पढ़कर ताराचंद की आंखों में आंसू भर आते हैं तो उसकी पत्नी दयावती सेठानी अपने पति को समझाती धीरज देती है। पति पत्नी में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। रोवे न पिया दुख देख भारी, रोवे न पिया दुख देख भारी, धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रोवे न पिया दुख देख भारी, धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रोवे न पिया दुख देख भारी।
खत्म हुआ सारा कुछ भी ना सुझे से। तेरी ब्याही तेरे दुख सुख में तेरे मन तन की बूझे से। तेरा पति दुख में जुझे से, तेरा पति दुख में जुझे से, हुई कर्मा की हारी। घबरावे न पिया कटेगी बीमारी। धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रोवे न पिया दुख देख मारी। चार जहाज मेरे डूब लिए मन अन पानी न भाता। उस तिलों की माया का भेद नहीं है पाता। आज कोई भी धोरे ना आता, आज कोई भी धोरे ना आता, के खा के मरूं कटारी। रट ले तू कृष्ण दया करे मारी। धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रोवे न पिया दुख देख मारी। दो कोठी बंबई में जड़गी नू सब तरियां हारा हां। कदे गर्मी कदे सर्दी मौसम का अलग नजारा। नाव डूबगी गया किनारा, नाव डूबगी गया किनारा, होनी ने मत मारी। हरी राम छड़िया के कारण होगी लाचारी। धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रोवे न पिया दुख देख भारी। मन अपना फिकर नहीं से प्यारी, फिकर से बालक याने का। देख मुसीबत ने घबरा जा काम ना मानस स्याने का। सतपालना मजा गाने का, सतपालना मजा गाने का, या छड़की दुनियादारी। करम पाल तू कर ले गुरु जैसी सीता बेदारी। धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रोवे न पिया दुख देख मारी। रोवे न पिया दुख देख मारी। अब तो ताराचंद हर प्रकार से कंगाल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। 6 वर्ष का एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उसके पालन पोषण की भी चिंता थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो एक दिन सेठानी दयावती कुछ निराश होकर अपने पति से कहती है कि श्रीमान जी सुनते हो, कुछ कमाए बिना कैसे काम चलेगा। हमारी तो बनिया की जात है, हमें भला कमाने खाने में शर्म थोड़ी है। आदमी चोरी ना करे और बुरे कर्म ना करे, चाहे छोटे से छोटा काम भी कर ले, उसमें आदमी की शान शौकत घटती नहीं है। इज्जत तो बुरे कर्मों से ही घटती है। जाओ कहीं जाकर कहीं नौकरी ही कर लो, कुछ तो कमा कर लाओ। और ताराचंद व उसकी पत्नी के बीच में क्या वार्तालाप होता है रागिनी में सुनिए। सह बनिया की जात मारी तू घूंट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहा
से बनिया की जात मारी तू घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। बनिया की जात मारी तू झूठ सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। हाँ तने से ठाणी ठीक कहा गुण किरसन के रागूंगा जिस पाड़े पे खड़ा करा सू मूल नहीं भागूंगा। शर्म भरी से मेरी आँखा मैं कितनों कर लागूंगा। इसी नौकरी करण ते अच्छा घराय प्राण त्यागूंगा घराय प्राण त्यागूंगा। आज दो कोड़ी के मानस हो गए कदे थे सब ते ऊपर दे। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। से बनिया की जात मारी तू झूठ सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। बनिया की जात मारी तू घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। हाँ नल पांडो राजा हरिचंद ने फिर कैसा मही चाई धर्म के कारण नौकर लागे ना से धी कड़ाई। धर्म तजे ते यो दुख देखा बात समझ में आई। मन कदे मशक्कत करी नहीं मैं चुकर करूं कमाई चुकर करूं कमाई। लक्ष्मी चंद भगतों की नैया पर ले पार उतर ले। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। से बनिया की जात मारी तू झूठ सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहा वे पिया की ते नौकरी कर ले। एक दिन दुखी होकर के ताराचंद अपनी पत्नी से कहता है कि सेठानी मेरी समझ में तो एक बात आती है कि शायद तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष गंगा स्नान के अवसर पर जब हम गढ़मुक्तेश्वर के मेले में गए थे तो वहाँ मेरी मित्रता हापुड़ के एक सेठ से हुई थी जिसका नाम था मनसा।
तो मैं चाहता हूँ कि पुत्र चंद्रगुप्त को उसके यहाँ गिरवी रख आऊं, जिससे बदले में कुछ धन पैसा भी आ जाएगा और उस पैसे से हम कुछ ना कुछ धंधा भी कर लेंगे। इस प्रकार पुत्र चंद्रगुप्त को हापुड़ के मनसा सेठ के यहाँ गिरवी रखने की बात करता हुआ ताराचंद अपनी पत्नी से क्या कहता है और उसकी पत्नी दयावती रजाबंदी देती हुई क्या कहती है। बेटा गिरवी धरना होगा सिर कड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं करे जो तेरे मन में आगी। बेटा गिरवी धरना होगा सिर कड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं करे जो तेरे मन में आगी, जो तेरे मन में। साल गंगा जी पे मित्र मेरे सहुकार बने, यू तो मेरे याद पिया तम पगड़ी बदली यार बने। दुख सुख के माँ साथ रहेंगे ऐसे कोल करार बने, यार वही दो बात पड़े पे जिनके पूरे प्यार बने, जिनके पूरे प्यार बने। आज उसके धोरे जाना चाहूं, उसके धोरे जाना चाहूं या मेरे मन भागी। यार यार ते मदद मांग ले बात न टाड़ी जागी, पर जो मन में आगी। हाँ बेटा गिरवी धरना होगा सिर कड़ाई छागी, तेरे ते मनसा सेठ बसे हापुड़ में गहने धरे आऊं बेटा, चुप कर दिल ते दूर करूंगी काम बनेगा हेटा। माँ की ममता जानू सुन तन एक जना सुत जेठा, आज तेरे हाथ सौंप दूंगी पिया करके न दिल ठेका, करके न दिल ठेका। पेट गुजारा कुछ रकम उड़े ते छागी, तोता के ते के करवा दे न्यू रोवे निर्भागी, पर जो मन में आगी। बेटा गिरवी धरना होगा सिर कड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं करे जो तेरे मन में आगी, जो तेरे मन में। पड़े मुसीबत भारी बेटे के बदले पूंजी लियाओ, कटे मुसीबत भारी दुख की फांस घली मारे आ दुनिया मजे उदारी, किसी आई उसी समय काट ले मत ना माने हारी, मत ना माने हारी। मन हरी राम की सीख मने ते, हरी राम की सीख मने दुनिया ते कति मिटागी। हटके फिर बसे दिल्ली में जो सती राही पागी, हर जो मन में आगी। बेटा गिरवी धरना होगा सिर कड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं करे जो तेरे मन में मन में आगी।
माटी से ठानी, दुख सुख के माँ साथ दिया करे हो पतिव्रता स्याणी। हाँ चंद्रगुप्त का हाथ पकड़िया डाया ख्या मैं पानी, मत घबरा पिया धर्म के ऊपर पड़ जा विपता ठानी, पड़ जा विपता ठानी। मोह ममता मैं छोड़ के जय सिंह बन जा तू बैरागी, सत्यपाल चार सुर ताल समझ जो तेरी पार बसागी, पर जो मन में आगी। हाँ बेटा गिरवी धरना होगा सिर करड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं करे जो तेरे मन में आगी, कर जो मन में आगी। इस प्रकार पुत्र चंद्रगुप्त को लेकर ताराचंद हापुड़ में मनसा सेठ के यहाँ पहुँच गया। अपने दोस्त को देखते ही मनसा दुकान पर अपने थले से उठ खड़ा हुआ और दौड़कर गोली भर लेता है। फिर राजी खुशी की पूछता है तो ताराचंद पहले तो कुछ देर तक बातचीत करता रहा और फिर बात करते करते उसका दिल भर गया, आंखों में आंसू छलक आए और अपना सारा हाल कह सुनाया और ये भी कह दिया कि मैं अपने पुत्र को गिरवी रखने के लिए ही आपके पास आया हूँ और बदले में 200 रुपए चाहता हूँ। जब बड़ा हो जाएगा तो आपके पैसे वापिस कर दूंगा और पुत्र को छुड़ा करके ले जाऊंगा, तब तक यह आपकी यहाँ रहकर सेवा करेगा। तो मनसा सेठ कहता है कि मित्र आप 200 रुपए ले जाओ लेकिन पुत्र को गिरवी रखने की बात मत कहो। लेकिन ताराचंद तो इस बात की जिद करने लगा। तो मनसा सेठ कहता है कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने घर अपनी पत्नी से पूछ करके आता हूँ। तो मनसा सेठ अपने घर जाकर अपनी पत्नी से ताराचंद के विषय में क्या कहता है और सेठानी मनसा से क्या पूछती है। चेहरा हूँ या उदास पिया जो तन कानू झड़ा से, के बुझेगी सेठानी मेरे दुख का नाग लड़ा से। चेहरा हूँ या उदास पिया क्यों तन कानू झड़ा से, के बुझेगी सेठानी मेरे दुख का नाग लड़ा से। तारा चंद दिल्ली ते आया सुन उसकी तुलाचारी, नामी सेठ जगत का पिया के पड़ी मुसीबत भारी, वो टोटे ने कंगाल बना दिया तने बात बता दू सारी, उसका दुख तू बांट लिए से तेरी उसकी यारी। सब धन माया लुटी सेठ के, सब धन माया लुटी सेठ के, टोटा आन बड़ा से, करिए मदद बिचारे कियो उस पे जाल पड़ा से। चेहरा हूँ या उदास पिया जू तन कानू झड़ा से, के बुझेगी सेठानी मेरे दुखा नाग लड़ा से। यार का दुख ना देखा जाता वो खड़ा खड़ा डकराया, उसका आदर करो ने प्रेम ते पिया क्यों घबराया, जो मांगे सो दे दूंगा पर वो कर्ज लेन ना आया। तेरे किसे चीज की कमी नहीं या भरी पड़ी से माया, वो लड़का गिरवी धरे सेठानी, लड़का गिरवी दरे सेठानी न्यू सर पे भार चढ़ा से। बेटा गिरवी धरिए ना पिया नामी थारा थड़ा से, चेहरा हूँ या उदास पिया क्यों तन कानू झड़ा से, के बुझेगी सेठानी मेरे दुखा नाग लड़ा से।
बहुत कह पर माना कोना, काम हुआ लाचारी का। लड़का ले आना चाहिए पिया, फर्ज अदा कर यारी का। यूं ते मैं भी जानू सूं पर इलाज नहीं से बीमारी का। दयावती बेटे बिन मर जाके जीना महतारी का। मैं समझा कैन हार लिया, हाँ समझा कैन हार लिया वो जिद पे आप अड़ास है। जाके दुखड़े मेट से टिका, किस सोच में पिया खड़ास है। चेहरा हुआ उदास पिया, क्यों तन का नूर झड़ास है। के बुझेगी से ठाही मेरे दुका नाग लड़ास है। राना क्यों कर राखूंगा, न्यू ते घना डरू मैं। छाती के ना के राखू बेटे, जैसा प्यार करूं मैं। बेटा करके पालेगी ते परले पारती रूं मैं। चंद्रगुप्त मेरा बेटा तीसरा, इस बात ते नहीं फिरू मैं। उठे नहीं यो हरिचंद आला, उठे नहीं यो हरिचंद आला, जय सिंह जबर खड़ास है। हरिवंश गुरु की शिक्षा ते सत पालने चंद गड़ास है। चेहरा हुआ उदास पिया, क्यों तन का नूर झड़ास है। के बुझेगी से ठाणी मेरे दुखा नाग लड़ास है। इस प्रकार ताराचंद जिद करके पुत्र चंद्रगुप्त को 200 रुपए में मनसा के यहाँ गिरवी रखकर चला आया। मनसा ने 200 रुपए वे भोजन एक कपड़े में बांध करके ताराचंद को दे दिए। रास्ते में हरनंदी नदी आ गई। ताराचंद ने सोचा कि नदी में स्नान करके यहाँ पर खाना खाकर तब घर चलूंगा। अतः पैसे वे रुपए की वह पोटली किनारे पर रख दी और ताराचंद जल में नहाने लगता है। इतनी देर में कोई पक्षी आया, वह खाने वह रुपए की बंधी उस पोटली को उठा करके ले गया। और जब स्नान करके जैसे ही ताराचंद बाहर आया तो उसे भोजन वह पैसे नहीं मिले। अब तो ताराचंद अफसोस में दुख में सिर पकड़ कर बैठ गया। बहुत रोया धोया और फिर घर आ गया तो ताराचंद की पत्नी अपने पति से पुत्र चंद्रगुप्त के बारे में हापुर की सारी बातें पूछती है और ताराचंद क्या बताता है। उस हापुर का कह दे सारा हाल पिया, उस हरनंदी के घाट लूट लिया कर ले बजर का हिया। हापुर का कह दे सारा हाल पिया, मैं हरनंदी के घाट लूट लिया कर ले बजर का हिया। हापुर का रुपए दिए मनसा ने होगा धन का गाड़ा। किसने तेरा धन लूटा पिया, कर दिया मोटा चाड़ा। 200 रुपए दिए मनसा ने होगा धन का गाड़ा। कौन मिला धन लूटने आड़ा, कौन मिला किसने इसा जुल्म किया। कोई मानस ना नजर पड़ा, मन देख तो कर दे लिया। हापुर का कह दे सारा हाल पिया, मैं हरनंदी के घाट लूट लिया कर दे बजर का हिया। हापुर का कह दे सारा हाल पिया, तू हापुर का कह दे सारा हाल पिया। Thank you.
बढ़िया था कंठा रे नोड़ी धर के न्यू के धन अंबर में उड़ जा के धरती में डर के मैं नहन नदी में बढ़िया था कंठा रे नोड़ी धर के तू पर के सबर बैठ जा हर ने ईश्वर ने करनी का बल दिया नहीं रहन का काम अड़े इब छुटे नगर घर ठिया हापुड़ का कह दे सारा हाल दिया मैं हर नंदी के घाट लूट लिया कर ले बजर का हिया हापुड़ का कह दे सारा हाल दिया तू हापुड़ का कह दे सारा हाल दिया लुट गया और टूट गया इब छुट गया सभी सहारा इसमें तेरा दोष नहीं दिया कर्म बिगड़ गया हमारा धन लुट गया और टूट गया इब छुट गया सभी सहारा घाव जिगर में हो गया गहरा घाव हुआ यो जागा ना सिया पार बसती नहीं से ठानी खोजूं मैं कित जिया हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया उस हर नंदी के घाट लूट लिया कर ले बजर का हिया हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया तू हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया अदरन या गैड़ा से ठाणी जिसे बोए उसे काट लिए रोए ते ना काम चले तू हिम्मत ते मन डांट लिए अदरन या गैड़ा से ठाणी जिसे बोए उसे काट लिए जैसे इनका दुख बांट लिए तू रट के ने हृदय के माराम सिया कर्म पाल ने गुनियो अगसीस निया हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया उस हर नंदी के घाट लूट लिया कर ले बजर का हिया हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया तू हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया प्रकार ताराचंद व उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी होकर घर में बैठे हुए थे उनकी इस चिंता की स्थिति में इतनी देर में ही एक साधु घर में भिक्षा लेने के लिए आ गया लेकिन उनके पास में भिक्षा देने के लिए क्या था अतः ताराचंद संत के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और अपनी मजबूरी बताता है कि मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकता। संत जी भी उनकी स्थिति से बहुत दुखी हुए तो फिर संत जी उन्हें शिक्षा देते हैं कि आप कुछ ऐसा करिए कि कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी करो, उस कमाई का चौथा हिस्सा स्वयं खाओ तथा तीन हिस्से दान करो, इस प्रकार आपके पिछले दिन फिर वापस आ जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी संत की बात को सुनकर के जंगल में से लकड़ी आदि लाने के लिए चल देते हैं। उनके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं कवि ने क्या वर्णन किया है। बात संत की सुन के गोरी हृदय के मगुण के दोनों चालेंगे हाँ दोनों चालेंगे मत फिकर करे तू पिया यो दुख उस ईश्वर ने दिया धर्म ते नहा लेंगे हाँ धर्म ते नहा लेंगे ओ Thank you.
लकड़ी ढोके काम चले ना पिया भराई ब्रोके काम चले ना पिया भराई ब्रोके ओके मजबूत रहेंगे हम करके सुध रहेंगे कसर ना खा लेंगे हाँ धर्म ते नहा हम पाई पाई जोड़े दान करने ते ना पिया मुँह मोड़े दान करने ते ना पिया मुँह मोड़े तोड़े ना मेल मुलाजा पिया तेरे संग मेरा साजा पीत हम पालेंगे हाँ दोनों चालेंगे बात संत की सुन के गोरी फिर देखे मगुन के दोनों चालेंगे हाँ दोनों चालेंगे ओ ब्राह्मण की करेंगे सेवा सेवा ते पिया मिल जांगी मेवा सेवा ते पिया मिल जांगी मेवा गोरी खेवा पारती रहेगा जब तू धर्म करेगा हम जी का दीपक बालेंगे हाँ धर्म ते ते पाले यो छांदे बनावे चंद्रगुप्त की पिया याद सतावे चंद्रगुप्त की पिया याद सतावे जय सिंह भी कमावे मिलके से छुड़ा लेंगे हाँ धर्म से नहा लेंगे बात संत की सुन के गोरी फिर देखे मगुन के दोनों चालेंगे हाँ दोनों चालेंगे प्रकार ताराचंद वह उसकी पत्नी दोनों मजदूरी करके कुछ दान पुण्य भी किया करते थे और उधर अब चंद्रगुप्त मनसा सेठ के घर रहता सहता जवान हो गया। मनसा के भी दो पुत्र थे, उन दोनों की शादियां हो गई थी। मनसा सेठ के पुत्रों की पत्नियां चंद्रगुप्त की भाभियां लगती थी, वे चंद्रगुप्त को बहुत प्यार भी किया करती थी। अब तो लड़का चंद्रगुप्त भी मनसा सेठ के व्यापार में हाथ बटाने लगा। देश विदेश में मनसा सेठ के भी समुद्री जहाज चलते थे जिनसे व्यापार किया जाता था। एक दिन चंद्रगुप्त को जहाज द्वारा विदेश में माल ले जाने का और इस प्रकार से व्यापार करने का आदेश हो गया तो चंद्रगुप्त विदेश चलने को तैयार हो जाता है और चलते समय अपनी भाभियों से कहता है कि भाभी आप मुझे बड़ा प्यार करती हैं और मैं इसका बदला नहीं चुका सकता, तो मैं आज विदेश में जा रहा हूँ, तो बताइए आपके लिए वापिस आते समय क्या लेकर के आऊँ। तो चंद्रगुप्त की भाभियां एक सच्चे मोतियों का जूड़ा मंगवाती हैं जो कि
बहुत दुर्लभ चीज थी। इस प्रकार से चंद्रगुप्त क्या कहता है और उसकी भाभियां क्या कहती हैं? परदेसान जासू भाभी जी चावे सो मंगवाइये, सच्चे मोतियों का जूड़ा देवर भारी खतर लाइये। परदेसान जासू भाभी जी चावे सो मंगवाइये, सच्चे मोतियों का जूड़ा भारी खतर लाइये। सच्चे मोतियों का जूड़ा भारी खतर लाइये। मात पिता की आज्ञा लेके मैं जासू पहलम झट के, एक भाड़ के जाइए देवर कदे जाके मन माटे के। शर्माने का काम नहीं बात कहो बे खट के, डर लागे कदे ना ल्यावे नू मारा बोलता आटे के। डर लागे कदे ना ल्यावे नू मारा बोलता आटे के। कर मेरा विश्वास री भाभी, कर मेरा विश्वास री भाभी अपना मन समझिए। परदेशा का कठिन मामला मत देवर धोखा खाइए, परदेशा न जासू भाभी जी जावे सो मंगवाइए। सच्चे मोतियों का जूड़ा देवर भारी खतर लाइए, सच्चे मोतियों का जूड़ा। सेठ ताराचंद के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इस किस्से की आगे की रागनी आप हमारे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।